वेलकम एवरीवन, मैं हूं प्रतीक्षा। गाइस, आप सभी लोगों को पता है कि मैंने अभी डेसिपिकेबल की फ्रेंचाइजी स्टार्ट कर रखी है, जिसमें से पहले ही दो पार्ट में ऑलरेडी अपने चैनल पे एक्सप्लेन कर चुकी हूं। अगर आपने वो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उन्हें देखना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि गाइस सच में ये फ्रेंचाइजी बहुत ही फनी और बहुत ही एंटरटेनिंग है। आज जो मैं मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूं, वो डेसिपिकेबल फ्रेंचाइजी की थर्ड इंस्टॉलमेंट है, जो कि 2017 में आई थी। एक मूवी और है जो कि इनके बीच में आई है, जो कि प्रॉपर मिनियन बेस्ड मूवी है। तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराए मैं आपको डेसिपिकेबल के थर्ड पार्ट में ले चलती हूँ, जहाँ पे हमें मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि 80s के टाइम में एक पॉपुलर शो आया करता था, जिसके अंदर एक छोटा बच्चा था जो कि पूरे शहर में तबाही मचाया करता था। शहर के हर बच्चे को ये शो बहुत पसंद था। इस शो का नाम ईविल ब्रेड था। ब्रेड जो कि इस शो का लीड कैरेक्टर था, वो खुद को इस शो के अंदर इतना ज्यादा इन्वॉल्व कर चुका था कि वो अपनी लाइफ इसी शो के आसपास ही समझा करता था। हर चीज का जैसे कि एक टाइम होता है, वैसे ही इस शो का एक टाइम था। धीरे धीरे करके ब्रेड थोड़ा बड़ा हो गया, जिसके बाद में ब्रेड टीनेज में आ चुका था, लेकिन अब उसे कोई भी पसंद नहीं करता है। हॉलीवुड ने इस सीरीज को बंद कर दिया, लेकिन ब्रेड के दिमाग में अभी भी यही चीजें थी कि उसको इतनी इंसल्ट फील करनी पड़ी और साथ ही साथ उसे काम मिलना भी बंद हो गया। इसी कारण बड़े होने के बावजूद उसने वापस से वही चीज चुनी जैसा कि बचपन में वो रोल प्ले किया करता था। ब्रेड अब एक विलन बन चुका था और सचमुच की चोरियां करने लग गया था। ब्रेड एक शिप पे पहुंचता है। दूसरी तरफ हम लोग एवीएल के डायरेक्टर को देखते हैं, जिसे पता चल चुका था कि ब्रेड जो कि एक विलेन है, वो एक शिप के ऊपर अटैक कर रहा है और वो शिप इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि उस शिप के अंदर डायमंड है। तभी हम यहाँ पे ग्रू को देखते हैं, साथ ही साथ लूसी और मिनियंस को भी देखते हैं। ग्रू यहाँ पे इसी शिप को बचाने के लिए और डायमंड को लेने के लिए पहुंचता है। ब्रेड ने यहाँ पे सारे पुलिस वालों को बहुत परेशान कर दिया, हीरा चुरा लिया और बबल गम से हर रास्ते को ब्लॉक कर दिया। लूसी और ग्रू को लगता है कि क्या हम इस शिप पे पहुंच जाएंगे, जिसके बाद में लूसी अपने व्हीकल के गैजेट को स्टार्ट करती है और उसमें से निकलने वाले धमाके के कारण ग्रू सीधा शिप पे पहुंच जाता है और उसके सामने अब ब्रेड खड़ा था। इन दोनों के ही बीच डायमंड को लेने की फाइट हो जाती है, जिसके बाद में ग्रू जीत जाता है, डायमंड ले लेता है। लेकिन तभी ब्रेड अपना नया गैजेट निकालता है, जो कि था गिटार, और उससे निकलने वाला वॉइस एक वेव्स की जैसे था, जो कि किसी को भी काफी दूर तक फेंक सकता था। ग्रू के बेचारे कपड़े तक उड़ जाते हैं, लेकिन बबलगम की मदद से वो लटक जाता है और हीरे को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। लेकिन तब तक ब्रेड वहाँ से भाग चुका था, जिसके बाद अब ग्रू और लूसी को कॉन्फ्रेंस में बुलाया जाता है, जहाँ पे ग्रू और लूसी जब एवीएल के कॉन्फ्रेंस रूम में पहुँचते हैं तो वहाँ पे और भी एजेंट्स थे। यहाँ पे हम पुराने डायरेक्टर को देखते हैं, जो कि अनाउंस करते हैं कि अब एवीएल की डायरेक्टर चेंज हो चुकी है। ये डायरेक्टर पहले वाले से तो बहुत बुरी थी, वो पुराने वाले डायरेक्टर को इंसल्ट करके वहाँ से भेज देती है और कहती है कि तुम तो बहुत बूढ़े हो चुके हो, तुमसे कोई काम नहीं होगा। जिसके बाद ये न्यू डायरेक्टर चिल्ला चिल्ला के पूछती है कि तुम सभी में से ग्रू कौन है। तभी वहाँ गलती से ग्रू का फोन भी रिंग कर जाता है और ग्रू को कॉल उसकी छोटी लड़कियों ने किया था। यहाँ पे डायरेक्टर आके ग्रू से बदतमीजी करती है और बोलती है कि तुमने ब्रेड को क्यों नहीं पकड़ा, वो मोस्ट वांटेड विलन में से एक है। जहाँ ग्रू कहता है कि मैंने तुम्हारा डायमंड तो बचा लिया ना, और वो मेरे बहुत ही पास था। इन सारी चीजों से डायरेक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे बस फर्क पड़ता था तो ब्रेड के अरेस्ट होने से। ये डायरेक्टर ग्रू को जॉब से निकाल देती है। तो लूसी डिफेंस में बोलती है कि अगर तुम इसे निकालोगे तो मुझे भी तुम्हें निकालना पड़ेगा, और इतनी बड़ी गलती तो तुम कभी नहीं करोगी। लूसी को खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस था कि उसके कहने पे शायद उसे और ग्रू को कभी नहीं निकाला जाएगा, लेकिन असल के अंदर इन दोनों को ही एवीएल से धक्के मार के निकाल दिया जाता है। ग्रू और लूसी बहुत परेशान थे कि आखिर घर पे ये क्या बोलेंगे, इनकी बेटियों को पहले कौन बताएगा कि हमारे पास में अब कोई जॉब नहीं रही। अब जब ये दोनों घर पे पहुंचते हैं तो मार्को, एग्नेस और एडिथ इन तीनों का अच्छा खासा वेलकम करती है। इनके लिए एक पार्टी अरेंजमेंट कर रखा था और अपने हाथों से खाना भी बनाया था, हालांकि वो खाना बड़ा ही बकवास था, लेकिन फिर भी पेरेंट्स के लिए तो हर चीज अच्छी ही होती है। जिसके बाद में जब यही गर्ल्स ग्रू से पूछती है कि क्या आप लोगों ने ब्रेड को पकड़ लिया, तब ग्रू यहाँ पे सारी बात बता देता है कि ब्रेड हमारे हाथों से निकल गया और इसी कारण हमको जॉब से भी निकाल दिया गया है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोगों को जल्द ही कोई जॉब मिल जाएगी। यहाँ पे ग्रू को एक मिनियन का कॉल आता है। जब ग्रू सारे मिनियंस के पास में जाता है तो यहाँ पे बाकी मिनियंस का कहना था कि तुम वापस से विलन बन जाओ, जब जब तुम विलन बनते हो तो सबसे बेस्ट रहते हो और हम लोगों को विलन के साथ में रहना ही पसंद है, तुम धीरे धीरे ग्रू बदलते जा रहे हो। मिनियंस का कहना था कि जब से तुम डैड बने हो तब से तुम एक डैड वाले काम करने लग गए हो, तुम विलन बनना तो भूल ही चुके हो और हम तुम्हारे साथ और ज्यादा नहीं रहेंगे। यहाँ पे हमें एक चीज और बताई जाती है, डॉक्टर नफारियो जो कि दो मूवीज में थे, इस मूवी में बताया गया है कि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसके बाद में वो खुद ही फ्रीज हो गए। यहाँ पे सारे मिनियंस ग्रू को छोड़ के चले जाते हैं और बोलते हैं कि हमें तुम्हारे साथ में नहीं रहना है। दूसरी तरफ अब जब उस डायमंड को सेफ रखा गया था पेरिस में, तो वहाँ पे डायमंड चेक करने के लिए एक बहुत बड़ा ज्वेलर आया
आया था और डायमंड चेक करने के साथ में हमें पता चलता है कि ये आदमी असल में ज्वेलर नहीं है बल्कि ये तो ब्रेट है। ब्रेट ने वहाँ पे सारे गार्ड्स को बेहोश कर दिया था और वहाँ से ब्रेट बिल्कुल इजीली वो डायमंड चुरा के वापस से भाग गया। दूसरी तरफ लूसी अपने बच्चों को देखने के लिए आती है, जिसके बाद में ग्रू और लूसी आपस में बैठ के बात करते हैं कि आखिर हम लोग अब क्या करेंगे, हमारे पास कोई काम भी नहीं है तो हम बच्चों को कैसे बड़ा कर पाएंगे। इसी के साथ हम देखते हैं कि मिनियंस भी घर छोड़ के जा चुके हैं। रास्ते में एक आदमी ग्रू के घर का पता पूछता है मिनियन से, लेकिन ये मिनियन उसे जीप चढ़ा के चले जाते हैं क्योंकि मिनियंस को ग्रू के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। अगले सुबह ग्रू को न्यूज मिलती है कि ब्रेट ने वो डायमंड फिर से चोरी कर लिया है और इसी के साथ में एग्नेस जो कि सबसे छोटी बच्ची थी वो अपने सारे टॉयज को सेल कर रही थी। उसे लगता है कि हम लोगों को कहीं पैसे की जरूरत ना पड़ जाए, इसी कारण मैं पैसों की हेल्प करती हूँ। तभी यहाँ पे वही आदमी आके मिलता है ग्रू से जो कि कल रात मिनियन से भी मिला था। ग्रू उसकी बातें सुनने में कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं होता है, इसी कारण उसे रॉकेट से उड़ा देता है। वो आदमी बेचारा वापस आता है कैसे तैसे करके और ग्रू से कहता है कि मुझे आपसे इम्पोर्टेंट बात करनी है, आपके भाई ने आपको बुलाया है। जिसके बाद में ग्रू कहता है कि मेरा कोई भाई नहीं है, मैं एक सिंगल चाइल्ड हूँ। तभी यह आदमी ग्रू को एक पिक्चर दिखाता है जिसके अंदर ग्रू का एक ट्विन ब्रदर भी था। ग्रू को इस बात पे बिलीव नहीं होता, इसी कारण वो अपनी मॉम के पास जाता है। बुढ़ापे के अंदर भी आंटी जी के शौक खत्म नहीं हुए थे, आंटी इस टाइम पे स्विमिंग क्लासेस ले रही थी। ग्रू अपनी मॉम से पूछता है कि मॉम आखिर मेरा भाई है, ये बात आपने मुझे बताई क्यों नहीं। जहाँ मॉम कहती है कि आखिर तुम्हें कैसे पता चल गया, लेकिन जो भी है ये सच बात है, जब मुझे ट्विंस हुए उसी टाइम पे मेरा डाइवोर्स भी हो गया और तुम्हारे फादर के साथ यही डिसाइड हुआ कि एक बच्चा वो रखेंगे और एक बच्चा मैं रखूंगा। जिसके बाद में पहले तो ग्रू को बहुत खुशी होती है कि उसका एक भाई भी है और अब सभी लोग ग्रू के भाई से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। जहाँ ये लोग लैंड करते हैं वो एक पूरी तरीके से पिगी आइलैंड था, हर जगह खूब सारे पिग्स। ग्रू और उसकी पूरी फैमिली जब उसके भाई के घर के अंदर एंटर करती है तो ये कैसल से कम बिल्कुल नहीं था, काफी बड़ा घर, नौकर चाकर, सब कुछ चीजें। यहाँ ग्रू के ब्रदर को हम लोग देखते हैं जो कि हूबहू बिल्कुल उसके जैसा ही था, आखिर ट्विन था तो सेम तो होना ही था। बस यहाँ पे ग्रू के ब्रदर के सर पे बाल थे। ग्रू के भाई का नाम ड्रू था। ड्रू यहाँ पे अपनी भाभी से और उसकी छोटी छोटी बच्चियों से मिलता है और इसी के साथ दिखाता है कि उसके पास कितने सारी कार्स हैं। इन सब चीजों से ग्रू को थोड़ा डाउट होता है और वो कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, मुझे कुछ भी चीज सही नहीं लग रही है। लेकिन तभी वहाँ पे ड्रू लूसी के साथ में बच्चियों को शहर घूमने के लिए भेज देता है। यहाँ दूसरी तरफ हम लोग ब्रेट को देखते हैं जो कि अभी भी अपने बचपन में खोया हुआ था कि कैसे उसके टॉयज के अंदर लेजर लाइट थी और डायमंड आने के बाद में तो वो असली में लेजर लाइट का यूज करेगा। दूसरी तरफ ड्रू अब अपने भाई ग्रू से बात करता है और उसे कहता है कि मुझे आपसे काफी इम्पोर्टेंट बात करनी है। एक सीक्रेट रास्ते के थ्रू बेसमेंट में पहुंच जाते हैं जहाँ पे बहुत ही बड़ी लैब थी। ग्रू को समझ में नहीं आता कि आखिर ये सारी चीजें क्या है। तब ड्रू बताता है कि हमारे फादर एक बहुत ही बड़े विलेन थे, वो तो आप पे बहुत नाज किया करते थे, जबकि हम लोगों को पता है कि ग्रू की मम्मी हमेशा उसे डांटती रहती थी कि तुम तो बिल्कुल निकम्मे हो। इसके अपोजिट ग्रू के फादर उस पे बहुत प्राउड किया करते थे, लेकिन ड्रू को डांटते थे कि उसने कुछ नहीं किया। ओवरऑल ड्रू यहाँ पे ग्रू को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि हम दोनों को फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहिए, हमारे पास इतने गैजेट है, हमारे पास सब कुछ है काम की चीज, तो हम वापस से विलेन बन जाते हैं। जहाँ पे ग्रू इन बातों से मना कर देता है और कहता है कि मैंने ये चीजें कब की छोड़ दी है। लेकिन ग्रू यहाँ पे अपने फादर की रखी सुपर कार को चलाने से मना नहीं कर पाता है और अब दोनों भाई इसी कार की राइड के लिए निकल पड़ते हैं। इस कार के अंदर खूब सारी फैसिलिटीज थी जो कि इन्हें माउंटेन पे चलने के लिए, पानी में डूबने के लिए, हवा में उड़ने के लिए हर तरीके से परफेक्ट लगती है। यहाँ लूसी अपने बच्चों के साथ इसी टाउन के एक वेयर में पहुँचती है। यहाँ पे एक गेम खेला जा रहा था जिसके लिए लूसी मार्को को कहती है कि तुम भी जाके खेलो इस गेम में। मार्को आगे बढ़ती है और लड़के के हाथ से प्लेट में रखा चीज उठा लेती है। वहीं दूसरी तरफ लूसी को फील होता है कि एडिथ और एग्नेस एकदम से गायब हो गए हैं, तो आखिर कहाँ गए वो दोनों। हम देखते हैं कि एडिथ और एग्नेस एक ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे एग्नेस ने यूनिकॉर्न का साइन देखा था। एग्नेस यहाँ पे बारटेंडर को जाके कहती है कि आप मुझे ये हॉर्न दे क्यों नहीं देते, तो ये बारटेंडर बच्चियों को डरा देता है और कहता है कि एक टेढ़े मेढ़े जंगल में जाना पड़ेगा तब वहाँ पे तुम्हें यूनिकॉर्न मिल जाएगा। लेकिन यूनिकॉर्न सबसे साफ और अच्छी बच्ची को ये मिलता है। सभी को पता था कि वो एग्नेस को ऐसे ही बना रहा था, लेकिन एग्नेस इस आदमी की बातों में आ जाती है, जिसके बाद में एग्नेस को किसी बात पे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो काफी जोर से चिल्लाती है। उसकी आवाज सुन के लूसी पहुंच जाती है। उसे लगता है कि एग्नेस किसी ट्रबल में है, इसी कारण वो वहाँ के हर एक इंसान को बहुत बुरी तरीके से मारपीट देती है। असल के अंदर किसी ने तो कुछ कहा ही नहीं था। जिसके बाद में लूसी इन्हीं सब लोगों से माफी मांगती हुई अपनी बच्चियों को बाहर ले जाती है। यहाँ पे ग्रू और ड्रू अपना टाइम स्पेंड करते हैं, जहाँ पे ड्रू बचपन के दिन याद करते हुए एक बस से चॉकलेट चुरा लेता है और अब इनके पीछे पुलिस पड़ चुकी थी। और अब ड्राइविंग करता है यहाँ पे ग्रू। ग्रू यहाँ पे फुल स्पीड में गाड़ी चलाता है और सीधा पानी के अंदर कूद जाता है। दूसरी तरफ हम लोग यहाँ पे भागे हुए मिनियंस को देखते हैं जिनके पास कोई
घर नहीं था, लेकिन अब मिनियंस को भी भूख तो लगने वाली थी। तभी इन्हें एक पिज्जा वाला दिखता है। मिनियंस यहाँ पे पिज्जा वाले की तरफ भागते हुए पहुंच जाते हैं एक रियलिटी शो के अंदर। रियलिटी शो में जजेस के सामने पहुंचने के बाद इन्हें समझ ही नहीं आता कि करना क्या है, जिसके बाद में एक मिनियन वहाँ पे आगे आके गाना गाना स्टार्ट कर देता है। वहीं पे सारे गार्ड्स आ जाते हैं मिनियंस को पकड़ने के लिए, लेकिन ये मिनियन गाना गाना रुकते ही नहीं है। बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस देने के बाद में ये लोग जब रुकते हैं तो सारे गार्ड्स आके इन्हें अरेस्ट कर लेते हैं। दूसरी तरफ ड्रू और ग्रू पहुंच जाते हैं एक बीच के पास में और दोनों डिसाइड करते हैं कि अब इन्हें आखिर करना क्या है। ग्रू के दिमाग में आ जाता है कि वो ड्रू की हेल्प लेगा, यानी कि वो उस डायमंड को अपने भाई की मदद से चुरा लेगा, लेकिन उसे देगा नहीं बल्कि एवीएल को सौंप देगा, जिसके बदले में उसे और लूसी को वापस से जॉब मिल जाएगी। यहाँ पे ये दोनों भाई डाइनिंग टेबल पे एक दूसरे की नकल उतारने लगते हैं। सारी फैमिली जानती थी कि ये दोनों आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। लूसी कहती है कि अच्छी बात है, तुम दोनों भाइयों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग हुई है, लेकिन आखिर चल क्या रहा है। यहाँ एग्नेस जल्दी डिनर फिनिश करके सोने चली जाती है। तब यहाँ पे मार्गो और एडिथ बताती है कि उसे यूनिकॉर्न को ढूंढने जाना है। आखिर अब उसे सच कौन बताए। ग्रू कोशिश करता है एग्नेस को बताने की कि हर किसी को यूनिकॉर्न नहीं मिलता। अब अगर आखिर वो एग्नेस के सामने बोल देता कि यूनिकॉर्न होता ही नहीं है तो बेचारी रोती हुई एग्नेस को चुप कौन कराता। एग्नेस जल्दी सो जाती है क्योंकि अगले सुबह उसे जाना था यूनिकॉर्न को ढूंढने। यहाँ अब सारे मिनियंस जो कि अरेस्ट हो चुके थे जेल में पहुंच गए थे, लेकिन ये सारे मिनियंस यहाँ के दादा बन चुके थे। सारे के सारे जेलर इनके आगे पीछे घूम रहे थे और इनका हर काम कर रहे थे। तब यहाँ पे एक मिनियन को ग्रू की याद आती है, जिसके बाद में वो सारे मिनियंस को ग्रू के लिए कहता है कि हमें वापस से अपने घर चले जाना चाहिए। दूसरी तरफ ब्रेट अपना एक एपिसोड देखता है। उस एपिसोड से ब्रेट काफी ज्यादा इंस्पायर हो जाता है कि वो अपनी लेजर लाइट से इस सिटी का एक हिस्सा पूरी तरीके से उड़ा देगा, जिसके अंदर लगी हुई बबल गम इसे सीधा स्पेस में पहुंचा देगी। यहाँ हम देखते हैं कि एग्नेस और एडिथ पहुंच जाते हैं एक फॉरेस्ट के अंदर, जहाँ पे एग्नेस अपने बैग से सारी चॉकलेट्स निकाल के एक जगह रख देती है। दूसरी तरफ ग्रू पूरी प्लानिंग ड्रू को बताता है कि हमें आखिर चोरी को कैसे एग्जीक्यूट करना है। ड्रू एक नंबर का डफर था, जैसे कि बिल्कुल मिनियन था, उसे कुछ समझ में नहीं आता। इसी कारण ग्रू कहता है कि तुम्हें बस नीचे रुकना है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट काम ड्राइवर का ही होता है। तो ड्रू कहता है कि मुझे भी चोरी में पार्टिसिपेट करना है। तो ग्रू कहता है तुम कर रहे हो ना, तुम गाड़ी चलाओगे ना, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट काम और कुछ है ही नहीं। ड्रू यहाँ पे अपने फादर की पुरानी यूनिफॉर्म्स भी निकालता है, जो कि ग्रू और ड्रू के लिए बिल्कुल परफेक्ट बैठ जाती है। हम देखते हैं कि यहाँ घर पे किसी ने नॉक किया था और ये वही छोटा लड़का था जिसकी प्लेट से मार्गो ने एक चीज का क्यूब उठाया था। ये लड़का तो मार्गो से एंगेजमेंट करने के लिए आता है, जिसपे मार्गो एम्बेरस हो जाती है और अपनी मॉम को कहती है कि ये लड़का पागल हो गया है। तो उसकी मॉम उस लड़के को भेज देती है और कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, यहाँ पे कोई एंगेजमेंट नहीं हुई है, बेटा अपने घर जाओ। मार्गो इस बात से गुस्सा हो जाती है कि लूसी ने उस लड़के को डांटा नहीं। तभी ये लड़का अपनी मॉम को बुला के ले आता है। अब तो लूसी फुल टू गुस्से में इसी की मॉम को उठा लेती है और कहती है कि मार्गो के सामने अगर आना है और उसे एंगेजमेंट करनी है तो पहले मुझसे बात करो, अगर तुम्हें उससे पंगा लेना है तो मुझसे भी पंगा लेना पड़ेगा। बेचारी इस लड़के की मॉम तो चुप हो जाती है और कहती है कि गलत घर में फंस गए हैं। इस बात से मार्गो बड़ी खुश हो जाती है कि उसकी मॉम ने उसके लिए स्टैंड लिया। दूसरी तरफ काफी देर वेट करने के बावजूद अभी तक एग्नेस को कोई यूनिकॉर्न नहीं मिलता है। तभी इन्हें कुछ आहट होती है और वहाँ पे यूनिकॉर्न के बजाय एक बकरी का छोटा सा बच्चा आ जाता है, जिसे एग्नेस अब यूनिकॉर्न ही समझ रही थी। यहाँ ड्रू और ग्रू अपने सुपर गैजेट के अंदर बैठ के निकल जाते हैं। ग्रू के दिमाग में बस यही चल रहा था कि वो डायमंड वापस से अपने डायरेक्टर को लौटा दे और वापस से रेस्पेक्टफुली जॉब ज्वाइन कर ले। ग्रू यहाँ पे ड्रू को कहता है कि तुम नीचे ही रुको, मैं ऊपर जाता हूँ। ग्रू वहाँ पे जैसे ही चिपकते हुए बिल्डिंग पे पहुँचता है कि थोड़ी देर बाद में ड्रू भी पहुँच जाता है। ड्रू को बिल्कुल मना किया गया था कि मत आना, लेकिन फिर भी वो पहुँच जाता है। खुद की बेवकूफियों के कारण वो खुद ही फंसता जाता है। अब ये दोनों कैसे तैसे करके बड़े मुश्किल से बिल्कुल टॉप पे पहुँच जाते हैं, जहाँ पे बिल्डिंग में एक जगह ये दोनों होल करके अंदर की तरफ पहुँच चुके थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिनियंस अब पूरी तैयारी कर चुके थे जेल से भागने के लिए। इसी कारण ये वॉशरूम से सारे बाथ टब, कमोड, वॉशिंग मशीन और साथ ही साथ जेल के सारे कपड़ों के साथ कुछ न कुछ कर रहे थे। और ये कुछ न कुछ था एक बड़ा सा हॉट एयर बलून बनाना। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्रू और ड्रू ब्रेट के रूम में पहुंच चुके थे। ब्रेट यहाँ पे डायमंड को लेके ही सो रहा था। गलती से ड्रू के पैर से एक आवाज हो जाती है, जिसके कारण ब्रेट नींद से जाग जाता है। ब्रेट नींद से जागने के बाद अपनी लैब में पहुंचता है, जहाँ पे ड्रू को हर चीज बड़ी अट्रैक्टिव लग रही थी, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी च्युइंगम थी और ड्रू उसी में से एक च्युइंगम खा भी लेता है। ग्रू यहाँ पे देखता है कि ब्रेट के इरादे बड़े ही बुरे हैं। वो एक बहुत बड़ा रोबोट बना रहा है, जो कि उसके मिनी रोबोट जैसा है, और उसके अंदर डायमंड को फिट करके लेजर लाइट चालू कर देगा। तभी वहाँ पे ब्रेट का रोबोट अलर्ट कर देता है कि लैब के अंदर घुसपैठ ये है। अब ये दोनों अपनी जान बचा के बाहर भागते हैं और बिल्डिंग के बिल्कुल किनारे पे खड़े थे। अब तो बिल्डिंग पे पैर रखने की भी जगह नहीं थी, इसी कारण ये नीचे गिरने वाले थे। नीचे गिर के ये कांटों में मर जाते, लेकिन तभी यहाँ पे लूसी पहुंच जाती है और इन दोनों
दोनों भाइयों को बचा लेती है। लूसी यहाँ पे ग्रू की बैंड बजाती है कि आखिर अगली बार तो मुझे बिना बताए किसी मिशन पे भी नहीं जाओगे। लेकिन जो भी हुआ, इतनी बड़ी फाइट के अंदर ग्रू इस डायमंड को वापस से ले आया था। ग्रू इस बात से खुश था कि अब हम लोग अमीर नहीं अच्छे खासे अमीर हो जाएंगे, हर जगह हमारी ही हमारी बात चलेगी। तभी ग्रू अपने भाई ड्रू से डायमंड ले लेता है और कहता है कि ये डायमंड तुम्हें नहीं मिलने वाला है, तुमने कौन सी चोरी में हेल्प की, तुम तो हर जगह रायता फैलाने वाले थे, इससे अच्छा होता कि तुम मेरे साथ चलते ही नहीं, और वैसे भी तुम्हें ये बात तो हमारे पिताजी भी कहा करते थे। जिस बात से ड्रू को बहुत बुरा लगता है और वो कहता है कि आज से हम दोनों भाई भाई नहीं है। ग्रू को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो डायमंड उठा के सीधा निकल जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिनियन हॉट एयर बलून के अंदर खूब इंजॉय कर रहे हैं और ग्रू अपने बच्चों के साथ में वापस अपने घर जाने वाला था। तभी वो एग्नेस को देखता है और एग्नेस बोलती है कि मुझे यूनिकॉर्न मिल गया है। तब यहाँ पे ग्रू बैठ के अपनी बेटी एग्नेस को समझाता है कि बेटा ये यूनिकॉर्न नहीं है बल्कि बकरी का बच्चा है। लेकिन एग्नेस तो अब उससे भी खुश थी। यहाँ पे लूसी आके बोलती है कि डायमंड का ख्याल मैं रख लूंगी, तुम बच्चों और सामान को लेके आओ। ग्रू यहाँ पे सामान लेके बाहर आता है। तब तक हम देखते हैं कि वो लूसी असलियत की लूसी नहीं थी बल्कि वो तो ब्रैड था और इस बार भी उसने भेस बदला था। ब्रैड यहाँ पे गर्ल्स और डायमंड दोनों को एक साथ चुरा के ले जाता है। ग्रू यहाँ पे भागता है और लूसी को ढूंढता है। इसी के साथ में अपने भाई ड्रू को भी बताता है कि ब्रैड बच्चियों को चुरा के ले गया है। अब ये तीनों वापस से अपने सुपर गैजेट में बैठ के ब्रैड का पीछा करते हैं। वहीं हम देखते हैं कि इनकी मुलाकात आसमान में मिनियन से भी होती है और अब मिनियंस तो अपना रास्ता बदल चुके थे क्योंकि वैसे भी इन्हें अब तो ग्रू के पास ही जाना था। हम देखते हैं कि अब हॉलीवुड के अंदर पहुंच चुका था ब्रैड अपने सबसे बड़े रोबोट के साथ में, जहाँ पे हर जगह वो तबाही मचाने लगता है और इसी के साथ इन तीनों लड़कियों को एक ऊंची सी बिल्डिंग के ऊपर उतार के छोड़ देता है। ब्रैड यहाँ पे बबल गम से शूट करता है। टाउन के एक हिस्से के अंदर हर जगह बबल गम हो जाते हैं, जिसके बाद में ब्रैड डायमंड की मदद से लेजर लाइट से वही हिस्सा काटने भी लग जाता है। लूसी सबसे पहले जाके अपनी बेटियों को बचाने के लिए भागती है। वहीं पे ग्रू और ड्रू अपने हर रॉकेट को बाहर निकालते हैं और सीधा शूट करते हैं ब्रैड के रोबोट पे। लेकिन ब्रैड का रोबोट गिरने के बाद में फिर से खड़ा हो जाता है। यहाँ पे मिनियंस को बलून्स दिख चुके थे। इधर लूसी लड़कियों को बचाने के लिए बिल्डिंग पे पहुंच चुकी थी। मिनियंस बलून के ऊपर लैंड करके अब उसे काटने के लिए फाड़ने के लिए हर कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ ग्रू और ड्रू का प्लेन भी ब्लास्ट हो चुका था, इसी कारण ब्रैड यहाँ पे इंजर्ड ग्रू को मारने की कोशिश करता है कि वो अपनी लेजर लाइट से ग्रू को जला देगा। तभी यहाँ पे ड्रू भागता हुआ ब्रैड के रोबोट पे पहुंच जाता है और सीधा जाके उसी सॉकेट को तोड़ने की कोशिश करता है जिससे कि ये पूरा सिस्टम काम कर रहा है। ड्रू इसमें सक्सेसफुल हो जाता है और ये लेजर लाइट यहीं पे रुक जाती है। अब ब्रैड के रोबोट का पूरा सिस्टम बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुका था, जिसके बाद में ग्रू यहाँ पे ब्रैड को कहता है कि अब टाइम है आखिरी लड़ाई का, जहाँ पे ये लोग डांसिंग फाइट चुनते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ में डांस करते हुए फाइट करना शुरू कर देते हैं। फाइट करते करते ग्रू के हाथ में ब्रैड का गिटार लग जाता है, जिसकी वेव से ब्रैड काफी दूर जाता है, वो भी बिल्कुल नेकेड होके उड़ने लग जाता है। ग्रू यहाँ पे अब अपने भाई ड्रू को ढूंढने लगता है कि आखिर इस फाइट के अंदर वो कहाँ चला गया, क्योंकि रोबोट डिस्ट्रॉय हुआ था तो कहीं उसे तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन असल के अंदर ड्रू भी बिल्कुल सही था और लूसी भी अपनी लड़कियों को लेके आ गई थी। इसी के साथ सारे मिनियंस ने इस बबल्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। जहाँ पे ग्रू के पास में ये मिनियंस आके बोलते हैं कि अब हम आपके पास ही रहेंगे। सारी फाइट यहाँ पे फिनिश हो चुकी थी, सभी अपने घर आ चुके थे, जहाँ पे लूसी लड़कियों को सुलाती है और इस बार बच्चे लूसी को अपनी मॉम कहते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि सारे मिनियंस ग्रू ड्रू सभी एक साथ में पिलो फाइट कर रहे थे। लूसी आके सभी को सोने के लिए बोलती है, जहाँ पे ग्रू अपने भाई ड्रू को कहता है कि अब कोई भी विलन वाला काम नहीं करेगा। ड्रू प्रॉमिस करके सोता है कि हाँ ठीक है मैं कुछ भी नहीं करूंगा। लेकिन तभी ड्रू सबके सोने के बाद में मिनियंस को जगाता है और वहाँ से ग्रू का सुपर गैजेट लेके निकल जाता है, जिसके बाद में लूसी कहती है कि चलो उसे पकड़ा जाए। तो ग्रू कहता है कि अरे उसे थोड़ा उड़ने तो दो, उसके बाद हम पकड़ेंगे। यानी कि एक ही फैमिली में एक विलन है तो एक एंटी विलन है। और इसी कॉमेडी के साथ में ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो गाइस आप सभी लोगों को डेसिपिकेबल की ये सीरीज कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट मूवी में, जो कि होने वाली है मिनियन। तब तक के लिए टाटा।